चंबा वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक होटल ईरावती में प्रधान ओम प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। एसोसिएशन के महासचिव सुरेश कश्मीरी ने कहा कि जिसमें आधे अधूरे न्यू बस स्टैंड चंबा का खामियाजा 7 वर्ष बाद आज भी चंबावासी भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंबा शहर में पार्किंग की भी बहुत बड़ी समस्या है और साथ ही बढ़ रहे रेहड़ी फड़ी वालों के अतिक्रमण से भी शहरवासी काफी परेशान है। साथ ही जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि शीघ्र ही इस समस्या का कोई हल निकाला जाए। आज चंबा वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक प्रधान श्री ओम प्रकाश जी गोस्वामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जो मुद्दे रखे गए उनमें सबसे प्रमुख मुद्दा वो रहा कि आज लगभग 7 साल हो गए पुराने बस स्टैंड से नए बस स्टैंड को शिफ्ट हुए, लेकिन आज दिन तक भी आधे अधूरे नए बस स्टैंड का जो खामियाजा है वो चंबावासी भुगत रहे हैं। चंबावासियों को इस नए बस स्टैंड के बनने से पूरी सहूलियतें जो है वो आज तक सरकार मुहैया कराने में विफल रही है। इसका विवरण देते हुए चर्चा में पूरा लेखा जोखा रखा गया और इसका एक पत्र जो है वो हमने अभी 3 तारीख को रजिस्ट्री के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को प्रेषित किया है, जिसकी प्रतिलिपि माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा कुलदीप सिंह पठानिया जी को और यहाँ के जो सदर विधायक हैं नीरज नैयर जी उनको भी इसकी प्रतिलिपि की है, तथा साथ में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य सचिव महोदय और डीसी चंबा तथा जो यहाँ के रीजनल मैनेजर ट्रांसपोर्ट हैं उनको भी प्रतिलिपि की है। तो उसमें हमने लिखा है संक्षिप्त रूप से कि 2002 से 2007 तक जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त हमारे सदर विधायक थे श्री हर्ष महाजन जी और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी। तो समय की जरूरत को समझते हुए हमारे सदर विधायक ने चंबा के लिए एक बहुत विशाल हर किस्म की सुविधाओं से युक्त सरकार यहाँ पर वह बनाना नहीं चाहती थी, उन्होंने नई जगह की तलाश शुरू की और तत्वानी नामक जगह को चिन्हित किया। तो उस सिलसिले में उन्होंने यहाँ के जितने भी सामाजिक संगठन थे उनको भी बुलाया और अपनी जो चीफ सेक्रेटरी थे उस वक्त उनको आदेश दिया कि इनके साथ मीटिंग की जाए। तो 29 अगस्त 2009 को चीफ सेक्रेटरी महोदया की अध्यक्षता में बचत भवन चंबा में एक मीटिंग हुई, जिसमें उस वक्त के जिलाधीश महोदय की तरफ से नियुक्त अधिकारी वही चीफ प्रारूपाकार जो थी मुख्य प्रारूपाकार हिमुडा की वो भी थी, साथ में चीफ इंजीनियर और यहाँ के जो लोकल इंजीनियर्स और दिल्ली से भी एक कोई सलाहकार प्राइवेट तौर पर मंगवाए गए थे और हमारे जो जितने भी सामाजिक संगठन थे उन्होंने एक अपेक्स बॉडी फॉर्म की थी और उस अपेक्स बॉडी के जो प्रतिनिधि थे वो भी उस मीटिंग में उपस्थित रहे। तो मीटिंग में यही फैसला हुआ कि हम आपको जो परिवहन निगम की वर्कशॉप है तत्वानी नामक स्थान में उसके उसको और उसके साथ जो चंबा की
पुरानी जेल है उसको तोड़ करके इकट्ठा 15,000 वर्ग मीटर का एक स्पोर्ट्स प्लेस जो है वहां पर, और उनकी मन मर्जी पर निर्भर करती है, कई बार आती है कई बार आती नहीं है। पीछे तो उन्होंने सेकंड टाइम वैसे ही बंद कर दी थी और हमारी कोई एसोसिएशन गई थी तो उन्होंने दोबारा उसको चलवाया है। अलावा इसके जीरो पॉइंट पर क्योंकि ब्रह्मौर होली गिरोड़ा महला साइड